हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन व्लॉग्स। सो टुडे आई एम एट दी मधुर बजाज ओखला, और यहाँ पे आने का एक बहुत ही स्पेशल रीज़न था। वो स्पेशल रीज़न था यार, ये बाइक जो मेरे पीछे देख रहे हो ब्लैक कलर में, भाई ये 160 नहीं है, ये 250 है, N250। भाई ये बाइक ना मेरे को देखने को भी नहीं मिल रही थी, तो आज यहाँ पे शोरूम पे अवेलेबल थी, तो भाई मैंने ये चांस मिस नहीं किया। मैंने कहा सीधा जाते हैं भाई, पहले इसके राइड वीडियो करते हैं, एक रिव्यू वीडियो करते हैं आप सबके लिए और आपको दिखाते हैं, और इसके बाद हो सकता है आपको राइड वीडियो भी मैं दूँ उसकी, तो राइड करने में कैसी है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो भी आपको बताऊँगा मैं। सो ये अभी जो मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये है E20 कम्प्लायंट N250, जिसमें BS6 फेस टू के साथ जो आती है वो वाली है, और इसमें आप इथेनॉल मिक्स फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी बाइक का आपको पूरा रिव्यू वीडियो देने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। मतलब पहले यही आई थी, फिर इसको बाद में अपनी N160 आई थी, तो बट उसकी लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आज इसकी भी कुछ खासियत है, वो भी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, ये देख रहे हो यहाँ पे कितनी सारी N सीरीज़ की बाइक खड़ी है। अब ये जो अपनी तीन खड़ी है ना इधर, ये है अपनी 160। बट आपको अगर सामने से देखोगे तो आप चेंजेस नहीं समझ सकते, क्योंकि बाइक बिल्कुल देखने में एक्जैक्टली सेम है, सेम चेसिस के ऊपर है, टेलिस फ्रेम के ऊपर दोनों, मतलब ये बाइकें बनी हुई हैं अपनी, एक्जैक्टली सेम है। अगर आप देखोगे टायर वाइज, सस्पेंशन साइज, ब्रेक वाइज, हर चीज़ में सेम है, बट द डिफरेंस है वो अपने इंजन के अंदर जो डिफरेंस है वो सबसे बड़ा डिफरेंस है। सो वही डिफरेंस को आज मैं कवर करने वाला हूँ। बात करते हैं अपनी N250 की। सो अपने खड़े सामने खड़ी है N250, जो कि सबसे पहले लॉन्च हुई थी, बाद में इसी के ऊपर बनाई हुई थी अपनी ये N160 जो बाद में आई थी, बट पहले अपनी आई थी N250 विद द डुअल चैनल ABS, आप मेरे सामने देख रहे हो ये। और अपनी अभी ये E20 BS6 फेस टू कम्प्लाइंट बाइक है, इसमें आपको OBD2 स्कैनर मिल जाएगा, और सबसे अच्छी खासियत भाई इसकी जो ये है ना, बाई प्रोजेक्टर LED फंक्शनल हेडलैम्प, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार स्टार्ट करके बाइक। तो यहाँ पे आपको इसमें ये भी मिल जाएगा, स्विच भी मिल जाएगा, जो कि बजाज ने पहले निकाल दिए थे तो BS4 में, बट यहाँ पे स्विचेस दे दिए हैं अपने हेडलाइट वाले। तो यहाँ से अपनी हेडलाइट्स में आप DRL ऑन ऑफ, मतलब DRL तो आपकी हमेशा ऑन रहेगी, बट अपने जो मेन हेडलैम्प है, प्रोजेक्टर है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अपना बाई प्रोजेक्टर है, इसमें आपका दोनों चीज़ काम करेगा, हाई बीम एंड लो बीम। तो इसमें आपका दोनों काम करेगा, हाई बीम और लो बीम दोनों पे इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, और फुली LED हेडलैम्प्स आपको उसमें मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट आ जाएगी, और फुली फ्रंट मास्क मिल रहा है ब्लैक कलर में, तो ये ब्रुकलिन ब्लैक कलर है, तो सबसे ज़्यादा सेल है इस कलर की, सबसे ज़्यादा लोग इसको पसंद भी करते हैं। क्यों करते हैं भाई ये, मतलब लोगों की फर्स्ट चॉइस रहती है ब्लैक कलर, बट भाई ब्लैक में थोड़ा सा डस्ट थोड़ा ज़्यादा दिखता है, बट जिसको केयर कर सकता है वो बिल्कुल अच्छे से रख भी सकता है और सब कुछ कर सकता है, बट इसमें PPF करवा लोगे तो भाई एक नंबर मज़ा आ जाएगा वो है। और सस्पेंशन देख लो कितने थिक सस्पेंशन, आपको अच्छे खासे थिक सस्पेंशन, एंड्योरेंस के सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाएंगे, बट मुझे लगता है पर्सनली यहाँ पे अब बजाज को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, यहाँ पे भी USD दे देने चाहिए थे, सेम जो अपनी NA सीरीज़ में दे दिए वही सेम यहाँ पे दे देते, तो ये इस बाइक को और थोड़ी सी एक प्लस पॉइंट मिल जाता। और बजाज ने पहली बार यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया था ये चीज़, यहाँ पे आपको बहुत लोगों को पता हो, तो यहाँ पे फ्लोटिंग आपको मडगार्ड मिल जाएगा, जिसमें आपको कलर देख रहे हो पूरे ग्लिटर्स वाले, आपको यहाँ पे कलर मिलने वाला है प्रॉपरली, कितने तगड़े ग्लिटर्स दिए हुए हैं, एंड द डुअल चैनल ABS। और यहाँ पे ग्रामिका के आपको ब्रेक कैलिपर मिल जाएगा, ग्रामिका आता है जो अपना ब्रांड है, ये मतलब एंड्योरेंस का सस्पेंशन यूज़ करता है, तो ये एंड्योरेंस का इन हाउस ब्रांड है ग्रामिका, तो वहाँ से अब ये बजाज ने एक्वायर करा है ग्रामिका को, मतलब बाइब्रे को डिच करके यहाँ से ग्रामिका को एक्वायर कर लिया है बजाज ने अपनी पल्सर सीरीज में। तो पहले अपनी NS में आते थे, बाइब्रे के आते थे, NS में भी अब यहाँ पे ग्रामिका दे दी है। सो ग्रामिका का पर्सनली इसका ब्रेक बाइट बहुत तगड़ा है, अगर आप देखोगे ना किसी भी 250cc बाइक में बहुत तगड़ा ब्रेक बाइट है इस बाइक का, और यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा यूज डिस साइज मिल जाता है, विद ABS रिंग मिल जाती है आपको। और अगर आप एलॉय की बात करो तो एलॉय सेम अपने NS वाले हैं, बट इसका थोड़ा वेट आपको हाफ kg लाइटर वेट मिल जाएगा, जो अपनी NS में पहले आते थे वहाँ से आपको हाफ kg का लाइटर वेट मिल जाएगा एलॉयज़ का, तो वेट यहाँ पर रिडक्शन किया हुआ है। और फ्रंट में टायर की बात करो तो 100% टायर मिल जाएगा, और MRF का टायर दिया हुआ है। MRF का पर्सनली टायर जो होते हैं वो बहुत बेटर होते हैं फॉर द सिटी कंडीशन, सिटी के लिए उसमें बेस्ट होते हैं, काफ़ी ड्यूरेबल, काफ़ी ज़्यादा चलते टायर हैं, मतलब बहुत चलते हैं MRF के टायर, तो वो एक यहाँ पर दे सकते हो। और बात करें यहाँ पे फ्यूल टैंक की, तो आपको 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी, टैंक आपका फुली मेटलिक रहने वाला है, तो फुली मेटलिक टैंक है, और यहाँ पे फुली टैंक एक्सटेंशन दिए हुए हैं बहुत ही बढ़िया से, और बाइक काफ़ी ब्रॉड लगती है इसी टैंक एक्सटेंशन की वजह से, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ब्रॉड लगती है आपकी बाइक। साथ ही में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको E20 की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ आपको फ्यूल लिड मिल जाएगा, तो फ्यूल लिड भी दिखाया था मैं एक बार आपको, तो यहाँ पे अपनी की लगा के आपने फ्यूल लिड को ऐसे ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक दिया हुआ है वाटर आपका नीचे जाने के लिए पोर्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं बंद, तो ये हो गया बंद। और अब आपको मैं ऐसे की दिखा देता हूँ, तो की कुछ इस तरीके की मिलने वाली है, और की की क्वालिटी देखो, की में बहुत डिफरेंस है, अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये अपनी N250 की रख दी है मैंने, अब मैं आपको NS की 160 की दिखाता हूँ। देखो ये
देख रहे हो ये 160 की है और ये 250 की है, तो ये देखो कितनी प्रीमियम की है और ये की देखो आप, तो यहाँ पे डिफरेंस आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इसकी की काफ़ी बेटर है N160 से, और साथ ही में आपको यहाँ पे एक USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा जिससे कि आप ऑन द गो अपने फ़ोन्स अपने गैजेट्स को चार्ज कर सकते हो। और साथ ही में यहाँ पे स्ट्रीट फाइटर हैंडल बार मिल जाएगा, बट मेरे को पर्सनली जो बढ़िया लगता है वो लगता है अपना क्लिप ऑन हैंडल बार जो आपको मिलता है NS वगैरह के अंदर जो आपको मिल जाता है ना, वो वाला मुझे ज़्यादा बेटर लगता है क्लिप ऑन हैंडल बार। बट यहाँ पे कुछ बजाज ने अलग काम किया हुआ है, और ये थोड़े फ्रंट की तरफ लीन होकर आप इसमें बैठोगे बाइक में, और आपकी जो मतलब सिटिंग पोजीशन है और ज़्यादा स्पोर्टी होने वाली है। साथ ही मैं एक बार की को ऑन करता हूँ और बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको इसमें बैकलिट स्विचेस मिल जाएंगे, ये रे ये देख सकते हो, तो ये बैकलिट स्विचेस मिल जाएंगे जो आपको बजाज एंड KTM की पूरी रेंज में मिल जाएंगे। तो बट बेसिकली मतलब ये पहली बार बजाज पल्सर्स में ही आए थे, पल्सर्स के बाद जब KTM आई तो KTM में बजाज ने इसको इंट्रोड्यूस किया, सो वो एक चीज़ है। और यहाँ पे आपका इंजन किल स्विच है, ये आपका हेडलाइट का स्विच है जो कि अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है बजाज ने, साथ में सेंसर बटन, और ये अपने हाई बीम लो बीम हॉर्न सॉरी इंडिकेटर एंड देन द हॉर्न, तो ये आपको मिल जाएगा सिंगल हॉर्न आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर मीटर की बात करूँ तो मीटर आपको मिलने वाला है, इन्फिनिटी मीटर मिलेगा, और मीटर में आपको यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर, ओडोमीटर, टाइम, ये एंड एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ये देख सकते हो, ट्रिप वन ट्रिप टू, डिस्टेंस टू एम्प्टी और ओडो, ये सारे आपको फीचर्स इसमें मिल जाएंगे। साथ में आपको ये सर्विस रिमाइंडर वगैरह आपको सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। और मीटर काफ़ी अच्छा है, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ज़रूरत के सारे फीचर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। कोई भी मतलब बोलते ना कि आजकल वो ब्लूटूथ वगैरह वाले चल रहे हैं, वो पर्सनली मुझे बेटर नहीं लगता, मुझे ये ज़्यादा चीज़ बेटर लगती है। वो क्यों? क्योंकि भाई मतलब ये काम के फीचर हैं, तो ब्लूटूथ वाले आप डेली लाइफ में यूज़ नहीं करोगे, तो एक चीज़ है। बाकी स्प्लिट सीट मिल जाएगी, तो स्प्लिट सीट इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है, इसमें इजीली अपनी मदर सिस्टर किसी को बिठा के भी आप ले जा सकते हो, बिल्कुल कंफर्टेबल रहने वाली है स्प्लिट सीट होने के बाद भी, क्योंकि सीट की वाइडनेस देखो कितनी ज़्यादा वाइड सीट्स हैं राइडर के लिए एज वेल एज़ फॉर द पिलियन। और पिलियन के लिए यहाँ पे आपको ग्रैब रेल्स मिल जाएंगे फुली ब्लैक कलर के अंदर, तो ग्रैब रेल्स भी काफ़ी अच्छे दे रखे हैं, थोड़ा बैटमैन इस टाइप में दिए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, और बहुत बढ़िया डिज़ाइन निकल के आया इस बाइक का जो उसमें काम किया बजाज की इंजीनियरिंग ने, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर अगर देखोगे आप ये अपना रियर वाला जो अपना ये पोर्शन है, ये थोड़ा आपको 390 ड्यूक से रिजेंबल होता है ज़रूर दिखेगा, और ड्यूक में कुछ इस तरीके का आता है 390 के अंदर, तो उस तरीके से आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा। बट पर्स बहुत बढ़िया लगता है, अगर ये यहाँ से रिमूव हो जाए तो ये तो भाई बहुत ही बढ़िया लगता है। ये टायर अगर तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब क्यों ही दे दिया बजाज ने किसी बाइक के अंदर, ये थोड़ा लुक ना ख़राब करता है। बाकी जिसको नॉर्मली चलना है तो उसके लिए तो बढ़िया है, बट जैसे हम हमारे जैसे यंगस्टर है तो उनको थोड़ा सा अजीब लगता है ये। और यहाँ पे आपको साथ में मोनोशॉक मिल जाएगा, इधर एंड्यूरेंस का एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएगा, वो एक चीज़ है। और रियर ब्रेक की बात करें तो रियर ब्रेक भी आपको यहाँ पे ग्रेमिका के ब्रेक कैलिपर्स मिल जाएंगे विद ABS, तो डुअल चैनल ABS है, और रियर डिस्क का साइज भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी रियर टायर की बात करूँ तो 130 का इसमें रियर टायर दिया हुआ है, MRF का सेम नायलॉन ग्रिप टायर है, काफ़ी अच्छा चलता है, सिटी के लिए बेस्ट है। और इसमें आप और अपग्रेड भी कर सकते हो टायर के अंदर, इसमें आप 140 भी डाल सकते हो, इजिली आ जाएगा 140 तक, मैंने लोगों ने देखा हुआ है जो डाला हुआ है टायर, तो मैंने देखा है तो 150 तक टायर इसमें इजिली फिट हो जाता है, कोई भी कहीं भी अटकता नहीं है टायर। और बात करूँ इसके स्विंग आर्म की तो स्विंग आर्म इसका बहुत ही बढ़िया है, स्विंग आर्म में जो क्वालिटी है ये सब प्रोडक्ट जो यूज़ करें इसमें कहीं पर भी रस्टिंग आने वाली नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। अगर बाकी आपके पास है आप यूज़ कर रहे हो, अगर आपको ऐसे रस्टिंग जैसे कोई इशू अगर आपको फेस हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ पर आपको डुअल बैरल यहाँ पर एग्जॉस्ट मिल जाएगा, तो इसका एग्जॉस्ट नोट तो आपको वीडियो में सुनाऊँगा लेकिन लास्ट में सुनाऊँगा, बहुत ही बढ़िया एग्जॉस्ट नोट है इस बाइक का। जब आप जाओगे ना आपको देख के ऐसा लगेगा मतलब कि ये 250 cc से ज़्यादा 1 cc की बाइक है, ऐसा लगता है कि भाई ये 250 cc बाइक नहीं है, ज़्यादा हायर cc की बाइक है, क्योंकि इसका एग्जॉस्ट नोट कुछ इस तरीके से है। एक बार आपको उस तरफ ले चलता हूँ। सो इस तरफ आगे अपने इंजन की बात कर लेते हैं, द हार्ट ऑफ द मेन थिंग ऑफ द बाइक, ये अपने जो इंजन है ये आपको मिल जाएगा स्लीपर एंड असिस्ट क्लच के साथ, तो उसमें आपको स्लीपर क्लच का ऑप्शन मतलब आधा था इसके अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। साथ ही में ये आपको 250 cc का एक न्यूली डेवलप्ड इंजन है जो बजाज ने बिल्कुल न्यूली डेवलप किया है विद ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपको DTSI टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। और सबसे अच्छी खासियत है भाई इसका लो एंड टॉर्क, इस इंजन का लो एंड टॉर्क भाई बहुत तगड़ा है, सिटी राइडिंग के लिए बहुत बढ़िया है, इसका लो एंड टॉर्क पे बहुत बढ़िया काम किया है बजाज ने। किसी भी ब्रेकर पे आप तीसरे भी मतलब किसी भी गियर पे अगर आप थ्रॉटल दोगे ना तो बाइक कितना तगड़ा रिस्पॉन्स करती है बिकॉज ऑफ द टॉर्क, 20.5 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क मिल जाता है बहुत ज़बरदस्त, और 25 BHP की पावर मिलती है इसके अंदर, तो पावर वाइज भी अच्छी तगड़ी है और टॉर्क वाइज भी बहुत तगड़ी है, बाइक बहुत तगड़ी है भाई, 150 इजीली जाती है, आप भगाओगे अगर तो 150 में 150 तक आराम से जाती है बाइक,
तो ये इसकी पावर है। तो यहाँ पे भी बजाज ने काम किया, बट बहुत लोगों को लगता है भाई इसमें 5 गियर हैं, इसमें 6 गियर होने चाहिए थे, बट भाई इसके जो गियर का जो रेशियो है ना, जो बजाज ने जिस तरीके से इसमें वो करा हुआ है, इसकी कन्फिग्रेशन करी हुई है गियर्स की, वो बहुत बढ़िया करी हुई है। 5वें गियर तक ये 150 पकड़ लेती है बाइक ईजिली, तो आपको कहीं पर ऐसा लगेगा कि आपको बाइक में 6th गियर की ज़रूरत है, तो वो एक चीज़ है। और बाकी आपको पूरा ओपन चेन मिल जाएगा, तो चेन की आपको केयर करनी पड़ेगी एवरी 1000 किलोमीटर्स पे जाके। और यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड मिल जाएगा, चेन कवर मिल जाएगा, साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड दोनों चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और बाकी ग्राफिक्स तो आपको पता ही है, यहाँ पे देख लो N250 की बैजिंग, नहीं तो बोलोगे 160 दिखा दी, ठीक है। और यहाँ पे पल्सर का ये ब्रैक क्रोम रोगो। अब बात करते हैं एग्जॉस्ट नोट की, तो बाइक करते हैं यहाँ से स्टार्ट, चलते हैं एक बार उस तरफ। तो भाई बाइक को करते हैं यहाँ से सेल्फ स्टार्ट, तो भाई ये था कुछ इसका एग्जॉस्ट नोट, एकदम तगड़े वाला, मतलब देख के लगता है कि भाई ये कम से कम भी 300-400 सीसी की बाइक वाला एग्जॉस्ट नोट है, बिल्कुल आपको डोमिनर जैसा फील आने वाला है इसके एग्जॉस्ट नोट में, क्योंकि डोमिनर में भी डुअल बैरल आता है और यहाँ पे भी डुअल बैरल एग्जॉस्ट आपको मिल जाता है। बट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सिंगल बैरल अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलेगा N160 के अंदर, यहाँ पे आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी ऑन रोड डेली प्राइस की, कितने आपको प्राइस में यहाँ से मिल जाएगी और कहाँ पर ये अवेलेबल है मैं आपको बता देता हूँ, और ये बाइक किसको लेनी चाहिए मैं वो भी बता देता हूँ। बेसिकली अगर आप टूरिंग करने की सोच रहे हैं तो इस बाइक को लेकर आप टूरिंग कर सकते हैं, बल्कि N160 जो है अपनी ये मोर द सिटी फोकस्ड है, और 250 जो है इसमें आप टूरिंग कर सकते हैं क्योंकि इसका हायर कैपेसिटी का इंजन है, तो टूरिंग में आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी बाइक अंडर पावर है, सामान रख के भी चलोगे तो अच्छी खासी पावर आपको मिल जाएगी बिकॉज ऑफ द लो एंड टॉर्क। सो गाइस, जो अपनी पल्सर N250 है अगर आपको बाय करनी है तो अभी अवेलेबल है, क्या कहते हैं, मधुर बजाज पे, जो कि ओखला के अंदर है शोरूम। शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा मैं, तो आके मेरी डील को फाइनलाइज कर लेना। अब बता दो इसका प्राइस, तो इसका प्राइस है 1,78,900 रुपीज़ ऑन रोड डेली, तो ऑन रोड डेली का प्राइस मैं बता रहा हूँ, बाकी आप जिस स्टेट में रहते हो हर स्टेट का ऑन रोड प्राइस वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द टैक्सेस, तो हर जगह के अलग अलग टैक्सेस होते हैं, बट डेली में जो इसका प्राइस है वो आपको मैंने बता दिया 1,78,900 रुपीज़ प्राइस है। आपको बाय करनी है तो आप आ सकते हो मधुर बजाज ओखला में, और यहाँ के जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आ जाना डील को फाइनलाइज कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे एक और अगली अच्छी वीडियो में, जब तक लेते हैं, सी यू, ओके बाय।